आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड। गर्मी के मौसम में कस्टर्ड किस खाना किसे पसंद नहीं है, यह बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बर्तन ले लेंगे, उस पर गैस पर रखकर गैस को ऑन कर देंगे। अब हम दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मेरा दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम एक कटोरी में ठंडा दूध ले लेंगे, उसमें कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लेंगे। बाजार में बहुत सारे कस्टर्ड पाउडर के फ्लेवर मिलते हैं, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो उसके बना सकते हैं। मैंने 1 किलो दूध लिया है, जिसके लिए 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर यूज करूँगी। आप जितना क्वान्टिटी में लेंगी उस हिसाब से कस्टर्ड पाउडर डाल लेंगे। मेरा दूध बॉयल हो गया है, अब इसमें हम चीनी को डाल देंगे। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से चीनी डाल लीजिए। इसको मीडियम आंच पे ही चलाते रहिए जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट हो गई है, अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते हुए हम कस्टर्ड को ऐड करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। पांच मिनट तक इसे चलाते रहेंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। अब मेरा कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया, अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, अब इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कस्टर्ड ठंडा हो गया है, अब इसमें हम सारे फ्रूट्स को मिला लेंगे। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हो वो डाल सकते हैं। अब मेरा कस्टर्ड बनकर तैयार है, अब ठंडे ठंडे कस्टर्ड का मजा लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और नई और आसान रेसिपी के साथ।